स्वीटी हो ना, राइट? नाइस मीटिंग यू। तुम 18 साल की हो, तुम पढ़ी लिखी हो और तुम समझदार भी हो, राइट? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर बात में ना सुननी पड़ती है। वैसे दिन में कितनी मर्तबा ना सुनती हो? 400 बार। आज कितनी बार सुनी? 500 बार। I think you need to talk to your papa again. Okay? देखो वो क्या कहते हैं? Hmm? Okay. See you later. Papa, papa, papa. तुम्हारी problem क्या है बेटा? Papa, घर में सबके सब मुझसे कहते हैं कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर सचमुच प्यार करते हैं पापा तो मुझे अपनी मर्जी से जीने क्यों नहीं देते? सबके सब ऐसे ही हैं। सबके सब? आपके सिवाय। That's why you are my cutie pie. अब एक आखिरी सवाल। हमारे पापा प्यार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई प्यार वही है जो करने दे मन मर्जी, अपनी मर्जी ला दे वो तो है खुदगर्जी। That's like my papa. Three cheers for my papa. Hip hip hooray, hip hip hooray. Yahoo! लगता है सब सो गए। तो जगा दे सबको। हो जाए मन मर्जी। हो जाए। लगता है स्वर्गीय द्वारकानाथ गांधी के इस पुश्तैनी मकान पर बगावत के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। फिर से? फिर से डांस कर रही होगी तुम्हारी लाडली अपने पापा के साथ। अब क्या करे इस लड़की का डार्लिंग? अब कभी उस गुड्डे के मुंह से अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालेगी, अपने आप से बातें करेगी। लगता है उसके दिमाग का किसी डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। 3 दिन से कॉलेज नहीं गई है वो। ओ मिस्टर तारकनाथ गांधी, पागल वागल नहीं कहना मेरे स्वीटी को। इलाज कराना है तो खुद का करा। अरे इतनी रात गए, ये शोर शराबा, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। आज फिर पुलिस आएगी, फिर हाथ जोड़ने पड़ेंगे मुझे। तारक खबरदार, अगर उसे कुछ कहा तो। अब जहाँ जिंदगी होगी जवानी होगी वहाँ शोर शराबा तो होगा ही ना। हमारी तरह उसके पाँव कब्र में थोड़े ही लटके हुए हैं। अरे जिंदगी में जिस चीज की कमी है उसे खेल कर पूरा कर रही है बेचारी। तुम्हारे किए की सजा भुगत रही है बेचारी। अब डालेंगे क्या सर? एक प्रॉब्लम है सर। लाउडर जालिम, लाउडर। सर वो सामने वाला बिल्डिंग का जज सर, वो रुस्तम जी टोपी वाला सर, सर वो फोन किया सर। He says फोन रखते ही वो पुलिस को बुलाएगा सर। He says the music so loud sir। शाबाश भाई शाबाश। मालिक भोग रहा और कुत्ता सो रहा है। चलो बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो। चेतन भाई मुझे माफ करो। हाँ डार्लिंग, इस घर को घर जैसा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, और भी लोग रहते हैं इस घर में, है ना? है ना? अरे कलाकार बनना तो बहुत आसान है, माँ बनकर दिखाए तो जाने। क्या क्या, ये गलती भी मेरी है ना? कह दो कह दो। बापू की कसम, आज तुम्हारी इस नातिन को मैंने अगर ठीक नहीं किया ना तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। हट जा डार्लिंग प्लीज। ओपन द डोर, नॉट दैट। स्वीटी, स्वीटू,
आओ बेटे आओ। That's like a good girl. सीढ़ी लगाओ। तू नहीं जानती तुम्हारी एक बेटी भी चींटी को भी तो नहीं मालूम कि तुम उसके पापा हो। और कितना इंतजार करवाओगे किसी 19 साल तो बीत चुके। आ जाओ किशन आज। स्वीटी, रूम सर्विस बेटा, नानू की बाटी, स्वीटू, ना रही है। क्यों बे? कल रात को गोवे किसे कह रहा था? हैं? बोल 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 बोल। किसे कह रहा था गोवे? तेरे बाप का घर है, हैं? लगाऊं? तो लपड़ लगाऊं? स्वीटी! तुम तो बाथरूम में थी, यहाँ कैसे आ गई? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे मेरे पापा को? मैं तो उसे गुड मॉर्निंग कह रहा था बेटी। गुड मॉर्निंग कह रहा था। पहले कान पकड़िए, सॉरी कहिए और फिर थैंक यू कहिए पापा से। मैं ऐसा थैंक यू क्यों कहूँ? आपको पता है कल पापा ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? पापा ने कहा नाना जी की हर बात को नहीं काटा करते, वो सचमुच तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे ये इतनी समझदार बातें कब से करने लगा? और पापा के कहने से तो आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। कमाल की बातें करने लगा आज तो दोस्त। थैंक यू थैंक यू। अरे आज तो सरकार को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये अचानक सूखी नदी में बाढ़ कहाँ से आ गई? अरे आज तो हमारी बेटी भी हंस रही है। My man, it is come. As if Hasina lot आई, the offered bread is back. नाजायज औलाद, प्यारी माँ की औलाद। कौन करेगा इससे शादी? अगर कोई मर्द हाथ लगे तो ना। ये नाना अमीर आदमी है, दूरा खरीद के लाएंगे। लेकिन इसको कॉलेज में एडमिशन दी किसने? हाँ, अरे इसके बाप का नाम तो है ही नहीं। शट अप किसको कहती है? अपने आप को अमिताभ बच्चन समझती है क्या? Move it! Move!
स्वीटी बेटा, no fighting. स्वीटी, स्वीटी बाबा. हश. क्या हुआ? क्या किया तुमने? फिर झगड़ा कर आई तुम? मुझे लड़ने का शौक है ना, आप तो यही सोचेंगे. आपको पता है वो मेरी मम्मी को क्या क्या कहते हैं? वो मेरे पापा को गालियाँ निकालते हैं और आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप सुनती रहूं? नहीं सुनूंगी मैं, बिल्कुल नहीं सुनूंगी. मुंह तोड़ दूंगी उसका जिसने मुझे नाजायज कहा है. बेटी, मेरी नानी मेरे पापा को बुलाइए. स्वीटी, बेटी, डोंट टच मी. बताओ मेरे पापा कहाँ है, उनको बुलाओ. अभी बुलाओ मेरे पापा को, मेरे पापा को बुलाओ. मर गया तेरा पापा, अब कहाँ से लाऊं मैं उसे? ये बात तेरे खोपड़े में जाती क्यों नहीं है? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो सबके सब. अगर मेरे पापा मर गए तो मेरी माँ सिंदूर क्यों लगाती है? बताइए, बताइए ना. बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ मैं. समझती है ना तू? तो ये आखिरी बात भी समझ ले, तेरा पापा एक नंबर का अनरिलायबल घटिया आदमी था जो मेरी बच्ची को भगा कर ले गया और तेरे पैदा होने के बाद तुझे देखने तक नहीं आया. वो बहुत समझती है ना तू? सब समझती है तू? I hate you, I hate you all. झूठ को बार बार जोर जोर से दोहराकर आप उसे सच बनाना चाहते हैं? अपनी लाड़ी को सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया उसे कि गरीब बाप को उसके बेटी की पैदा होने की खबर तक नहीं दी आपने? शोभना से कह दो कि मुझसे जबान ना लड़ाए. मिस्टर तारकनाथ गांधी, आईना तोड़ने से बदसूरत शक्ल बदल नहीं जाती. चल बेटी. सही कहा था उस रुस्तम एस्ट्रोलॉजर ने, बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरा. अपने ही घर में अकेला पड़ गया हूं मैं. लाओ जालिम, उस रुस्तम को बुला. तारकनाथ, तुम्हारी बेटी विनीता का डाइवोर्स कैसे हो गया? उसकी पत्रिका में तो एक ही मर्स से लाइफ टाइम का प्रेम लिखा है, सेज गणेशा. मैंने तुम्हें स्वीटी की पत्रिका बांचने को कहा था, बेबी की नहीं. वो क्या है तारकनाथ? साहेब जी, तुम्हारा स्वीटी तुम लोगों को इसलिए तकलीफ देता है कि उसको प्यार करने वाला एक पापा चाहिए. उसके पापा को बुला लिया, सब ठीक हो जाएगा. सेज गणेशा. मर गया उसका पापा. इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है. सेज तारकनाथ. कोई दूसरा उपाय बताओ, दूसरा. अरे दूसरा उपाय क्या बताएगा? बड्डू गर्भाशय निकला, बड्डू गर्भाशय. सेज गणेशा, आइए जो. ये गुरु वक्री हो गया है ना, इधर शनि और मंगल का यूटी है, इधर स्वीटी को साढ़े साथी लाट पर है, उधर तारकनाथ भाई को लोहे का पांव से ढैया है. बोले भाई. भैया, ये ढैया भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है. मेरी समझ में कुछ आए ऐसा बोल. हाँ, तेरी समझ में आता है ऐसा बोलता हूँ. देखो तुम्हारे परिवार को हिला कर रखने में ऐसा भूकंप मींस अर्थक्वेक आएगा. सेज गणेशा. तुमने ठीक ही कहा, हम सबने तुमसे झूठ बोला है. तो सच क्या है? सच सुन सकती हो तुम? अगर मैं नहीं सुन सकती तो और कौन सुनेगा? सच ये है कि तुम्हारे पापा जिंदा है. क्या? पर इस वक्त वो कहाँ है कोई नहीं जानता. मतलब? सेशल्स का नाम सुना है तुमने? हिंद महासागर में अफ्रीका के पास एक छोटा सा देश है. जुलाई 1976 मैं अपनी सहेलियों के साथ वहां छुट्टियां मनाने गई थी. अचानक तेरे पापा से मुलाकात हुई और देखते ही देखते प्यार हो. हम दोनों ने मंदिर में जाके शादी भी कर ली. अचानक तेरे नाना वहां पहुंचे और उन्होंने तेरे पापा को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी. क्यों? मैं नाबालिग थी ना, उन्होंने जबरदस्ती मुझे तलाक दिलवाया
और घसीट कर वापस ले। वो कैसे पापा, जिन्होंने आपको खोजने की कोशिश भी नहीं की? उन्हें मेरा पता ठिकाना कहाँ मालूम था। लंदन से तेरे नाना ने अपना कारोबार संभाला और हम सब यहाँ। माँ, कोई तो तरीका होगा पापा को खोजने का। है एक तरीका। सेशल्स में एक बुजुर्ग है कांति भाई, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट। अगर किसी को तेरे पापा के बारे में खबर है तो सिर्फ उन्हीं को। ए रुस्तम भैया, एस्ट्रो वाले, इस घर में सुख और शांति कब और कैसे आएगी ये बता सकता है तू? इतना प्यार से पूछता है तो जरूर बताएगा। माल भरो इसमें। देखो, स्वीटी के बाप को बुलाओ, स्वीटी का शादी बनाओ और उसका कन्यादान उसके बाप के हाथ से कराओ, सब ठीक हो जाएगा। सेज गणेश। फिर बाप को बुलाने की बात कर रहा है ये? फिर बाप को बुलाने की बात कर रहा है? ए देख भैया, उसका बाप यहाँ पे नहीं आ सकता। तू कहे ना तो 3-4 करोड़ मैं मंदिर में दान दे देता हूँ, 3-4 मंदिर में बना देता हूँ, हवन करता हूँ, 15-20 हजार नींबू मेरे पूरे घर में लटका देता हूँ। लेकिन भैया रिलैक्स, कोई और उपाय बता, कोई और उपाय बता। और कोई उपाय नहीं, मैं बोला वही छे बस। रुस्तम, मैं उसका नाना हूँ। वो तो है। उसके बाप से बड़ा हूँ। शादी भी मैं करूँगा और कन्यादान भी मैं दूंगा। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, आज से तेरी मंथली बंद। नहीं जाता इधर से। नहीं जाए से। नहीं जा। क्या करता है? 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 नेशा। हाँ। अरे, आओ आओ बेटा आओ। शर्माओ मत। देखो तुमसे कौन मिलने आया है? ठीक है, ठीक है। जी इधर हो। जालिम चेक। ये लीजिए, 25 लाख का चेक है। शादी का शगुन समझ लीजिएगा। शादी के बाद दामाद को जो बिजनेस करना होगा वो मैं शुरू करवा दूंगा। ओके? लेकिन तारक भाई, आपने ये तो नहीं बताया कि मेरे दोनों बेटों में से आपको मेरा कौन सा वाला बेटा पसंद है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मेरी बेटी स्वीटी जो है ना, वो मुझ पर बोझ नहीं है। ये शादी मैं अपने ग्रह शांति के लिए करवा रहा हूँ। मेरी बेटी मेरा घर छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं। आपका बेटा मेरे घर आएगा। हाँ। घर जमाई बनकर। अगर मंजूर है तो हाँ कहिए, वरना। हाँ, मंजूर है, है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ना? ठीक है जालिम, मैं एग्रीमेंट साइन करवा लेना प्लीज। सर जी, चाय तो पीती जाइए। सुनाने के लिए आप लोग मेरे कमरे में आए हैं। शोभना, इसे कह दो कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, तुम मुझे घसीट कर यहाँ लाई हो, और वो भी इसलिए कि मेरी बेटी स्वीटी की शादी में उसकी माँ की रजामंदी होनी चाहिए। माँ, स्वीटी बच्ची है अभी, इस उम्र में उसकी शादी? इसी उम्र का तो डर है मुझे डार्लिंग। याद है सेशल्स, इसी उम्र में हमारी नाक कटाई थी किसी ने। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी चांद सी बेटी स्वीटी मांग में सिंदूर भरकर जिंदगी भर किसी लफंगे के लिए आंसू बहाती रहे, किसी की तरह जिंदगी भर उसका इंतजार करती रहे। अरे मरने के बाद पुरखों को क्या जवाब दूंगा मैं? डाले, तुम ही बताओ, जैन भाई जैसे आदमी कहाँ मिलेंगे इस जमाने में? घर जमाई बनने के लिए तैयार हैं दोनों लड़के, दोनों। पर स्वीटी की मर्जी के बारे में किसी ने पूछा है क्या? मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पूछ लूंगा स्वीटी को। मेरी बच्ची मेरी बात कभी नहीं टालेगी, जानता हूँ। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं शादी नहीं करूंगी। लीव मी अलोन। आज तुम मेरी हर बात सुनोगी। मेरे एक दादाजी थे, दादाजी जानती हो, मेरे पापा के पापा। उनकी एक बेटी थी बिल्कुल तुम्हारे जैसी, उनका कहा कभी नहीं मानती थी। ये बच्चे बड़ों का कहा कहां मानते हैं। वो एक अंग्रेज के साथ शादी करना चाहती थी। दादाजी ने कहा नहीं बेटी, नहीं, बिरादरी में शादी करते हैं। लेकिन वो नहीं मानी। दादाजी ने पूछा बेटी तुम शादी करोगी या नहीं, उसने कहा नहीं। जानती हो फिर दादाजी ने क्या किया? भरी हुई पिस्तौल निकाली और अपनी कनपट्टी पे लगा दी। और फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा बेटी तुम शादी करोगी, उसने कहा नहीं। बेटी तुम शादी करोगी, उसने कहा नहीं। जानती हो दादाजी ने क्या किया? धाय! गोली चल गई और दादाजी फिनिश्ड।
बेटी मेरे दादाजी का कुछ न कुछ तो मुझ में जरूर होगा है? इतिहास आज इस घर में अपने आप को फिर से दोहराएगा जालिम। Yes, sir. अब बोलो बेटी, तुम शादी करोगी या नहीं? तुम शादी करोगी या नहीं? तुम शादी करोगी या नहीं? मान गई। बिल्ली को घंटी हमने पहनाई। मान गई, मान गई, मान गई मेरी स्वीटी, मान गई। ए केतन भाई, मिठाइयां बनाओ, दिए जलाओ, इस घर को उजाले से भर दो, मंगनी की तैयारी करो। मान गई, मान गई। तैयारियां तो हमें भी करनी है ना पापा, सेशंस जाने की। हम दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले, हम दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले। दुल्हे के अम्मा को हम क्या जाने, दुल्हे के बाबा को हम क्या जाने, दुल्हे की बहना को हम क्या जाने, दुल्हे के भैया को हम क्या जाने। आहा हम दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले, दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले। दुल्हे की अम्मा को हम क्या जाने, दुल्हे के बाबा को हम क्या जाने, दुल्हे की बहना को हम क्या जाने, दुल्हे के भैया को हम क्या जाने। आहा हम दुल्हन वाले, ओ हो हम दुल्हन वाले। गजरा सजाए महकाया चल, आंखों में लेके सपनों का काजल, हो गजरा सजाए महकाया चल, आंखों में लेके सपनों का काजल, सपनों का काजल। घूंघट निकाले चली है दुल्हनिया, फूलों में फूली फली है दुल्हनिया, दुल्हा है काटा कली है दुल्हनिया, दुल्हा बुरा है भली है दुल्हनिया। दुल्हन की बहना को हम क्या जाने, दुल्हन के भैया को हम क्या जाने। आहा हम दूल्हे वाले, ओ हो हम दूल्हे वाले। आहा
जाने, दुल्हन के बाबा को हम क्या जाने, दूल्हे की बहना को हम क्या जाने, दुल्हन के भैया को हम क्या जाने, सदा जगमगाए, तो फले और दूरों न आए, आबादी ज्यादा न लेकिन बढ़ाए, हम तो हमारे तो ये मान जाए, आहा हम दुल्हन वाले। ये कॉफी का 18वां कप पिला रही हो? कॉफी पीकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा? न जाने कहां होगी मेरी बेटी। अरे कुछ नहीं होगा तारक, कितनी बार समझाऊं तुझे। अरे यार एक और बार बता देगा तो क्या जाएगा तेरा। देख तारक, स्वीटी एक समझदार, मॉडर्न, स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है, कुछ नहीं होगा उसको। अरे सबसे बड़ी बात, तेरी नातिन है, तुझको उंगलियों पे नचाती थी ना, अब दुनिया को नचाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा स्वीटी को। अच्छे अच्छों की कान काटेगी वो। ये जालिम क्यों नहीं आया पुलिस स्टेशन पे? ए चेतन भाई, भैया हाथ जोड़ू छू तुमने, प्लीज मेहरबानी करीना पुलिस स्टेशन जाओ, जालिम ने पूछो कि क्या हुआ, जाओ जाओ। ये गोली, नींद की गोली खिलाने से पहले आप लोगों में से मुझे कोई जवाब देगा? मेरी बच्ची मुझे छोड़कर गई क्यों? कोई जवाब नहीं है, सारी गोलियां खा लो। तारक जब देखो बकबक करते रहते हो, चुपचाप गोली खाओ और सो जाओ। Monsieur, bonjour, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Mayé. Il est 8 heures locale et la température extérieure est de 28 degrés Celsius. May I have your attention, please? Miss Swati, there is a message from Mr. Anand from London. If you are here, please contact the representative from Plantation Club. I repeat, please contact the representative from the Plantation Club. What's this? My papa. Papa, you got any hotel reservations? No. How much foreign exchange you are carrying? Nothing. Well, I have to check with the Indian High Commission. Why? Why?
for the rules, that's all. But officer, I have to go. I have to meet someone. Wherever you have to go, you must let me know. Officer, there's someone to pick me up. My father has sent someone. Hi. Hi. Miss Swati. Come here. But your passport says you're Miss Gandhi. Come here. Oh, that's okay, officer. Actually, it's my father and my grandfather has adopted me, so... Come here. Yeah, you come here. So you're Miss Gandhi. Can I make a move now? Thank you. Okay, go ahead. Enjoy yourself. See you. Thanks. You're welcome. Hi there. Hi. Miss Gandhi. Yeah? Your passport. Thank you, officer. I'm so glad you're here. Hello, hotel reservations ke baare mein poochte, fir foreign currency ke baare mein, it's just too much. I'm so glad the hotel has sent you. Where's the car? Car? Come on, let's go. Yeah, let's go. Eh? Ye baar baar ghoor ke kyun dekh rahe ho? Asal mein main dekh raha tha ki aap itni choti hain. Unchai mein ya umr mein? Umr mein. क्यों? मिस्टर आनंद की बेटी क्या 75 साल की बुड्ढी होनी चाहिए? मिस्टर आनंद को तो अपनी मंगेतर का इंतजार था। ओह, जापान पहुंच गए जी, समझ गए ना? अरे याने 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 कि आप नाखुश हैं, मंगेतर के जगह बेटी आ गई? नो नो यस यू आर नो आपका नाम क्या है? स्वीटी, इसको आप लोगों ने स्वाती कर दिया था। ओहो हो हो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई कि मिस्टर आनंद आपके पापा हैं, यानी कि चांस है। क्या? अगर मिस्टर आनंद आपके पापा हैं? अगर नहीं, बेशक हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप मिस्टर आनंद की बेटी हैं, तो फिर कस्टम्स वालों ने आपको मिस गांधी क्यों पुकारा? क्योंकि पासपोर्ट में मेरा नाम वही है। मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे नानू मिस्टर तारक नाथ गांधी ने मुझे गोद लिया है। ओके? मगर क्यों? क्यों? I'm sorry, देखिए प्लीज रोइए मत, प्लीज ये लीजिए। अगर जिंदगी में आपने मेरी तरह दुख झेले होते तो आप भी रोते। मेरे नानू बहुत खराब आदमी है। मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने मेरे माँ बाप का तलाक करवा दिया और उसके बाद मुझे और मेरी माँ को मेरे पापा से कभी मिलने भी नहीं दिया। I'm sorry. यानी कि आप घर से भागकर अपने पापा से मिलने आई हैं? झूठ, झूठ बोल रही है वो लड़की। उनकी बेटी के यहाँ आने की कोई बात ही नहीं थी, और वैसे भी मिस्टर आनंद की बेटी मिस गांधी कैसे हो सकती है? तो मैं बताने वाला था मामी कि मेरी बात, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। डोंट टीच मी माई वर्क, ओके? I know these kind of people. देखिए मिस गांधी, हम आपको मिस्टर आनंद के कमरे की चाबी सिर्फ पुलिस की मौजूदगी में दे सकते हैं। पुलिस? जी हाँ। क्या मुझे अपने खानदान के राज पुलिस की मौजूदगी में खोलने पड़ेंगे? मेरा नाम गांधी क्यों है, आनंद क्यों नहीं? क्या ये गड़े मुर्दे मुझे बार बार उखाड़ने पड़ेंगे? एक मिनट मामी, क्यों रुला रही हैं आप? सब कुछ तो बता दिया उसने मुझे। सचमुच बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, अब खामखा पुलिस को बीच में क्यों ला रही है? दे दीजिए ना चाबी प्लीज। हाँ दे दीजिए प्लीज। कैसे दे दूं चाबी, जब मुझे पता है कि उनकी दोस्त मिस स्वाति सिन्हा आने वाली, तो तुम्हें चाबी कैसे दे दूं? और यदि बेटी आने वाली होती तो हमें इन्फॉर्म नहीं करते? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश करी, और आप है कि समझती नहीं है कि रजिस्टर में गलती से श्वेता की जगह स्वाति हो गया मैडम, और मिस्टर आनंद मेरा, श्वेता उनकी बेटी का आने का इंतजार कर रहे हैं। That's right, she's right. तो या इसीलिए बेटी के लिए रेड रोजेस छोड़कर जाते हैं और कार्ड पर पापा की जगह आनंद साइन करते हैं। So, they are very modern, ma'am. By the way, आप दूसरों की चिट्ठियां भी पढ़ती है क्या? No, she... It's okay. मैं किसी और होटल में चली जाऊंगी। हाँ, और आप मिस्टर आनंद को मैसेज दे दीजिएगा, उनकी बेटी श्वेता दूसरे होटल में उनका इंतजार कर रही है। बाय फ्रेंड। ठहरिए, गलतफहमियां तो सबसे होती रहती है मिस गांधी। इट्स ओके। आई होप यू एंजॉय योर स्टे हियर। आई होप सो टू। हैव अ गुड डे। थैंक्स। रोहित आया। लगता है आपसे रोज मुलाकात होगी श्वेता जी। हे मिस्टर के आनंद, आप जो भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, मेरे पापा का पता चलने तक यहाँ मत आइए। प्लीज डोंट कम हियर।
Excuse me. Quiet, quiet. Thank you. Hi. Hi. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, आज ही दुनिया का चक्कर कटवा दिया। पहले बॉम्बे से फोन करके बोला कि सेशल्स जा रही हो, सेशल्स से फिर डरबन का डिसाइड किया, डरबन से लंदन जा रही हो, लेकिन हम लंदन नहीं, हम नैरोबी जाएंगे और वहाँ से जहाज लेके सेशल्स। अरे क्या बिहेव योरसेल्फ, सेशल्स के प्लांटेशन क्लब में कमरा हमारा इंतजार कर रहा होगा, हम कुछ दिन आराम करेंगे, फिर शादी करेंगे और फिर खूबसूरत सी हमारी एक बेटी होगी। लगता है तुम पति नहीं पिता बनना चाहते हो। हाँ, लेकिन पिता बनने के लिए पहले पति बनना बहुत जरूरी है। हाय आनंद, यू रियली थिंक शादी करके हम एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकेंगे? यस ऑफ कोर्स। आई डोंट थिंक सो, बट व्हाई नॉट। हम अपने अपने अतीत में अटके हुए हैं, मैं राकेश की याद में, तुम अपनी पहले बीवी की। इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम सॉरी। देखो, मेरी बीवी को मुझसे जुदा हुए कितने साल हो गए? 19 साल। तुम्हारा और राकेश का डिवोर्स हुए 6 महीने हो गए। ओके, अब उनको भूल जाओ, शादी करो और जल्दी से अटक जाओ मेरे साथ। यानी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं? हाँ, बच्चे की माँ बनने के लिए नैरोबी से हमको सेशल जाना पड़ेगा और सेशल जाएंगे तो वहाँ हमारा बच्चा होगा। ओके, नाउ विल यू प्लीज जस्ट सिट हियर एंड यू नो फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लाइट प्लीज। एग्रीड, वी आर गोइंग टू नैरोबी, नैरोबी टू सेशल। टॉक अबाउट इट फॉर अ बेबी। वी विल टॉक अबाउट इट। कांति भाई वेल जी शाह, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट। यस मैडम, बट वी डोंट हैव हिज फोन नंबर। आई कैन गिव यू हिज एड्रेस। यस, एड्रेस प्लीज। 5 कोजी कॉर्नर। Yeah. Grand aunt. Yeah. Prole. Thank you. Papa, Papa, mil gaye. Let's go, Papa. Yeah. Let's go. Hello, Miss Gandhi. Everything okay? Okay. No problems. No problem. Mm-hmm. And Barbara, I want all the flowers. जी, ये आप क्या कर रही है? एक्सरसाइज। वहाँ? अरे वहाँ तो खतरा, गिर जाएंगी। पापा कहते हैं खतरा ही जिंदा रहने का एहसास दिलाता है। अरे लेकिन बिन बात के खतरा मोल लेने में क्या तुक है? हाँ? रोहित, अरे ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ अकेले खड़े, हाथ में जूते लिए, सब क्या चल रहा है? हेलो अगेन, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल। रोहित, मेरे जूते तो वापस करो। बाय। सिगरेट? मैं तो मुझसे छुपकर सिगरेट पी रहे थे। देखो रोहित, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे सामने किया करो, मेरे पीठ पीछे नहीं। और जाओ, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। बुद्धू बेचारा। पापा, क्यों ना मंजिल तक पहुंचने के लिए मिस्टर बुद्धू का इस्तेमाल किया जाए? Mr. Rohit, there's a letter for you. For me? Yeah. Lucky man. मेरे प्यारे रोहित, मुझसे दोस्ती करोगे? मुझे प्राले घुमाने ले चलोगे? अगर हाँ तो मुझे कल सुबह होटल के बाहर फाउंटेन के पास मिलना। तुम्हें बहुत 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 प्यार, स्वीटी। Hmm.
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही चेहरा नीची निगाहें भोली सी लड़की भोली अदाएं ना अप्सरा है ना वो परी है लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो एक रंग भर दे वो शर्मा के देख जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते का घर। करता हूँ उसके घर के मैं फेरे हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे। सच कह रहा हूँ उसकी कसम है मैं फिर भी खुश हूँ बस एक गम है जिसे प्यार करता हूँ मैं जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। जैसे कोई पहेली
कल जो मिली मुझको उसकी सहेली, मैंने कहा उसको जाके ये कहना अच्छा नहीं है यूं दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। वेलकम टू स्पेशल्स। देखो स्वाति, हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार हैं, बहार पुर बहार है। स्वाति देख रही हो ये वादियाँ, ये फिजाएं, ये घटाएं क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि जिसकी तुम्हें इतने दिनों से खोज है वो यहाँ मिलेगी। हमारी बेटी यहाँ होगी स्वाति, हमारी बेटी यहाँ होगी। चलिए सीधा डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने। मेरा इलाज कराने और नहीं तो क्या? बेटी 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 Welcome to Seychelles. Thank you. Mr. Anand, yes. आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। बेटी? Come on, Papa. Let's go. Someone's waiting for us. मेरी बेटी? ये है मेरी बेटी। कहती तो ऐसा ही कुछ है। इसने कहा और आपने मान लिया। आपका दिमाग तो ठिकाने है ना? I can sue you for this and you, you get out of this room in 2 minutes. पापा, आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? तुम्हारा पापा नहीं हूँ लेकिन जाने के लिए जरूर कह रहा हूँ। आपका मम्मी से डिवोर्स हो गया पर मैं तो आपका खून हूँ ना। What? स्वाति ये झूठ बोल रही है। स्वाति आंटी, आप तो समझाइए ना इन्हें, मैं कितनी खुश हूँ मुझे आप जैसी सुंदर आंटी मिल रही है। मिस दीक्षित, प्लीज कॉल द पुलिस। स्वाति, हेलो पुलिस, स्वाति मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रही है, ये जरूर किसी की शरारत है। किसकी? किसी की भी हो सकती है। तुम्हारी भी? मेरी नहीं स्वाति, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आनंद, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों? स्वाति मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का यकीन करो, ये जरूर किसी की साजिश है, मेरी बात का यकीन। अगर ये तुम्हारी बेटी नहीं है तो तुम्हारी बेटी जैसे क्यों दिखती है? आंसर मी दैट। कोई भी कहेगा कि ये तुम्हारी बेटी है। नहीं नहीं मैडम, मैडम एक्सक्यूज मी, डजंट शी लुक लाइक हिज डॉटर? नो नो नो, इट्स डिफिकल्ट टू से। स्वाति अभी पुलिस आएगी और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। मैडम मुझे दूसरा कमरा दीजिए। आई एम सॉरी, हम पूरी तरह बुक्ड हैं। एंड गेट मी अनदर रूम इन अनदर होटल। स्वाति दरअसल यहां पर हम दूसरे रूम के लिए नहीं आए। प्लीज लिसन टू मी स्वाति, मिस दीक्षित प्लीज। ओह व्हाट अ मेस। उफ स्वाति, स्वाति, दिस मेस इज क्रिएटेड बाय यू। पापा, पापा जानती हो बहुत सालों बाद मुझे जिंदगी में खुशी मिलने वाली थी तो तुमने आज छीन ली। बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बता, बता तुझे किसने भड़काया है मेरे खिलाफ? बता, बता। स्वाति, स्वाति, स्वीटी। ओ स्वीटी, स्वीटी क्या हो गया तुम्हें? स्वीटी बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? डॉक्टर, लगता है हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं आप। तुम कौन हो? श्वेता। श्वेता? I mean sweetie।
तुम जानती हो तुमने मेरे साथ क्या किया? हाँ। मेरी स्वाति से शादी होने वाली थी। I'm sorry. सच सच बताओ, तुमने मेरी बेटी बनने का नाटक क्यों किया? मैं घर से भाग कर आई हूँ। मेरे सौतेले पापा मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे। मेरे पास पैसे नहीं है, सेशंस रुपीस नहीं है, इंडियन रुपीस है। रात कहीं तो काटनी थी। मैं उम्मीद कर रही थी आप नहीं लौटेंगे, सुबह होते ही भाग जाती। अब क्या करूंगी? आप तो रखेंगे नहीं, समुंदर किनारे रात काट लूंगी। मैं स्वाति को फोन करता हूँ, सारी बातें उसको ऐसे ही बता देना। हेलो, कैन आई स्पीक टू स्वीटी? आई मीन, कैन आई स्पीक टू मिस स्वाति सिन्हा प्लीज? आई डोंट नो द रूम नंबर। व्हाट पार्टी? ओह, पार्टी डजंट वांट टू टॉक टू। नो, इट्स ओके, शी डज नॉट वांट टू टॉक टू मी। क्या करें? पीटी को सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दो। ये कौन है? मैं इसका पापा बोल रहा हूँ। से हाय। हाय। आई मीन हाय टू हिम। हाय हाय। हाय हाय। कम इन। आप अभी भी चाहते हैं कि पुलिस इसे ले जाए? Yes, of course. That's the goal. Please come with us. No. अब तेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? अपने किए की सजा भुगतो, बहुत होशियार बनी थी। प्लीज टेक दैट। कम ऑन पापा। टेक दैट, कम ऑन पापा। प्लीज वेट। दोबारा ऐसी हरकत करोगी, इधर उधर मत देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं। नहीं। कान पकड़ो और सॉरी बोलो। सॉरी बोलो वरना रात जेल में गुजारनी पड़ेगी। सॉरी। मिसेस दीक्षित से भी सॉरी बोलो। सॉरी। Sorry, officer, it was a bad joke. So, be fatigue moi, is this a bad letter? I know, I know. No, boom, no bad joke. Either how. Mrs. Dixit, दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरी मंगेतर को वहां पता चले कि ये मेरी बेटी है। बेटी? Shut up. इसलिए नाटक करना पड़ा आपके यहाँ। I'm very sorry. That's too much. I know it's too much. You also please, can I talk to my daughter in person, privately? Bukhar, tension, tension, fever, headache. माँ, हम लोग कब तक बार बार वही बात दोहराते रहेंगे? कोई मुझे कुछ क्यों नहीं कहने देता? प्रधान अंकल, अगर स्वीटी के बारे में पता करना है तो सबसे पहले उसके पापा को खोजना होगा। जहन्नुम में ढूंढना पड़ेगा उसके पापा को। शट अप तारक। विनीता, स्वीटी मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद लिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हारे सपने को, सुखी परिवार, हैप्पी फैमिली। गोली मार देनी चाहिए थी पहली बार जब मैंने उसे देखा ना, तब क्या बक रहे हो तारक? विल यू जस्ट शट अप, सिट डाउन। मेरी जीती जी, मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। इसके बाद गलती से भी अगर तुमने कृष्णानंद का नाम इस घर में लिया है तो गोली मार दूंगा मैं सबको और अपने आप को भी। स्वीटी, स्वीटी, कम डाउन, फास्ट। कमिंग, हरी अप। मैं
हाय स्वीटी, क्या हुआ? इतनी हंस क्यों रही हो? So funny, so कौन? Cute. Oh God, कौन? Mr. Kyanan. Mr. Kyanan? अकेले बैठे मच्छर मार रहे थे. Oh God. तुम अपने पापा को नाम से पुकारती हो? तो क्या हुआ? They're very modern, you see. हम पैर छूने वाले में बिलीव नहीं करते. टैक्सी, टैक्सी? अब स्वीटी, टैक्सी क्यों चाहिए? हमें प्राले जाना है ना. प्राले? अरे प्राले जाना इतना आसान नहीं है. पहले हेलीपैड जाना पड़ता है, फिर हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता है. यू नो हेलीपैड तक तो टैक्सी में जाएंगे ना. तो हाँ, पर टैक्सी. मगर क्या रोहित, लेट्स गो. स्वीटी, तुम्हारा पर्स कहाँ है? पर्स क्यों? वो क्या है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और टैक्सी और हेलीकॉप्टर के लिए काफी पैसे लगेंगे. तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं. यू डोंट हैव मनी? नो. ओ गॉड, अब मैं प्राले कैसे जाऊंगी? डैम इट, डैम डैम डैम, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? है, मगर थोड़े से हैं. थोड़े से क्यों है? थोड़े से पैसे से मेरा क्या होगा रोहित? मैं प्राले कैसे जाऊंगी? ओह गॉड, यू आर यूज़लेस. आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. थोड़े से पैसे. मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मेरी जान लोगी? पैसों का ना होना कोई जुर्म नहीं होता. तुम जानती हो दुनिया में 99% लोगों के पास पैसा नहीं होता. मैं भी उनमें से एक हूँ. डैम यू, डैम यू, थैंक यू फॉर स्पॉइलिंग माय फर्स्ट एवर डेट. स्वीटी, ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करो कैसे? ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करो कैसे? अगर कहीं एक दुकान होती जहाँ पे मिलते गगन के तारे, अगर कहीं एक दुकान होती जहाँ पे मिलते गगन के तारे, मैं सारे तारे खरीद लेता, तुम्हारे आंचल में डाक देता. मगर क्या करूं मैं कि ये जानता हूँ, तारे मिलते नहीं ऐसे, तारे मिलते नहीं ऐसे. ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करो कैसे? अगर कहीं एक दुकान होती जहाँ पे मिलते हसीन सपने, अगर कहीं एक दुकान होती जहाँ पे मिलते हसीन सपने, मैं सारे सपने खरीद लाता, तुम्हारी पलकों पे मैं सजाता. मगर क्या करूं मैं कि ये जानता हूं, सपने मिलते नहीं ऐसे, सपने मिलते नहीं ऐसे. ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करो कैसे? Thank you.
पाता हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ ये पैसे कहाँ मोहब्बत कहाँ ये जर्रे कहाँ वो पर्वत कहाँ ये कागज की एक नाव कहाँ वो जज्बात का बहाव ये सच है मगर फिर भी मैं सोचता हूँ ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे मैंने वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ना नो नो आई नो आई डिड आई एम रियली सॉरी सॉरी नहीं थैंक यू थैंक यू आज तुमने मेरा उस सच से सामना करा दिया कि दुनिया में पैसा होना बहुत जरूरी है कम ऑन रोहित नाकामयाब आदमी को दुनिया कभी माफ नहीं करती कल हम प्राले जरूर जाएंगे टैक्सी में और हेलीकॉप्टर में ये मेरा वादा है ओके सो स्वीट ऑफ यू रोहित थैंक यू रियली सॉरी बाय स्वीटी एक मिनट जूते हाथ में रखने से पांव की आवाज नहीं दब जाती डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हैं आप वो क्या है ना मैं समुंदर किनारे गई थी मुझे लगा समुंदर की लहरें मुझे बुला रही हैं। कॉरिडोर में जो शीशा है उसके सामने जाकर खड़ी हो जाओ व्हाट जाओ क्या कर रहे हैं आप शीशे में देखकर बताओ हम दोनों की शक्लें मिलती हैं ये कैसे मुमकिन है मैं इतनी सुंदर और आप यू थिंक आई एम अगली वेल एक्चुअली तो फिर स्वाति को क्यों लगा कि तुम मेरी बेटी हो मुझे तो नहीं लग रहा मैं क्यों तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम्हारी वजह से स्वाति मुझे छोड़कर चली गई सबके सामने मुझे झूठा बनना पड़ा मेरा उल्लू बनाया सबने आज के बाद तुम यहाँ मेरी शर्तों पर रहोगी मंजूर वैसे भी 5 दिन तक बंबई के लिए कोई फ्लाइट नहीं है और मेरे पास सेशल्स रुपीस भी नहीं है ओ फ्लाइट सेशल्स रुपीस तो फिर बेवजह यहाँ क्यों आई हो तुम्हें डॉक्टर ने कहा था मैं भी समंदर किनारे खड़ी सोच रही थी कि समंदर बेवजह गरजता क्यों है आसमान में तारे क्यों हैं और अगर तकदीर ने हमें मिलाया है तो उसकी कोई तो वजह रही होगी जो आप नो नो रियली थिंक आई एम अगली नहीं आप शीशे में इतने बुरे नहीं लगते पर ये जो कुछ पहन रखा ना आपने इसमें बिल्कुल हाथी की तरह लगते हातिम दाई की बेटी 5 दिन में यहाँ से बाहर हातिम दाई की बेटी 5 दिन में बाहर क्यों छोड़कर चली गई तुम मुझे स्वीटी की उम्र की होती अपनी बच्ची भी अभी All right, let's play some
आप उस पे सिगरेट रखें। या। थैंक यू। आई एम रोहित। ये कैसे, यू नो, रूले? उम्र क्या है तुम्हारी? 22, 19. अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए पैसे चाहिए क्या? या, या। लिसन, इट्स वेरी सिंपल। आंख बंद करके उसका नाम लो और किसी भी नंबर पे लगा दो। किसी भी नंबर पे? इज दैट सिंपल? इज दैट सिंपल। ओके। इनी मिनी माइनी मो, आई डोंट नो वेयर टू गो। इनी मिनी माइनी मो। Go, go, five. Go, come on, go, five. Go, come on, five. Go, 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 five. कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी क्या? एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता स्वाति आंटी से शादी करना चाहते हैं। कल रात आप ये नींद में विनीता विनीता क्या बड़बड़ाए जा रहे थे? बाय द वे, मैंने इस ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कर दी, आप अपनी शर्तें इस पे लिख सकते हैं। हेलो। हेलो स्वीटी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। रूम सर्विस? रूम सर्विस? स्वीटी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हमें वेकअप कॉल की कोई जरूरत नहीं, वो उठ गए। वेकअप कॉल? स्वीटी, हम कहाँ मिल सकते हैं? मुझे तुमसे मिलना है। स्विमिंग पूल, आई मीन स्विमिंग के लिए जाएंगे। स्विमिंग पूल? लेकिन कितने बजे? चाय आ गई है, थैंक यू। पापा जल्दी कीजिए, मुझे स्विमिंग के लिए जाना है। आप स्वाति आंटी को कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे? कम ऑन पापा, राइज एंड शाइन। स्वीटी, ए स्वीटी, कम यहाँ। फोन क्यों किया था? मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। पैसे? अब हम प्राले आइलैंड जा सकते हैं। टैक्सी में नहीं, हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर में हेलो स्वाति, आई लव यू। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, आई लव यू। इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अपनी बेटी के साथ छुट्टियां खुशी से मना सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। चाहो तो उसकी मम्मी को भी फोन करके बुला लो, बट प्लीज लीव मी अलोन। तुम एक बार मुझसे मिल तो। ओहो आनंद, प्लीज पुट डाउन द फोन, राकेश का फोन आने वाला है। राकेश, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। आनंद, प्लीज मुझे तंग मत करो। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, मैंने कहा ना राकेश का फोन आने वाला है। स्वाति, एक बार मैं खुद तुमसे आकर मिल लेता हूँ। तुम कहो तो मैं वहाँ आकर। आनंद, आर यू देयर? आनंद, आई विल टॉक टू यू लेटर। दिस मैन, ही इज इम्पॉसिबल, इडियट। Leave my foot. Rohit, मेरे पापा आ रहे हैं, मैं तुम्हें हेलीपैड पे मिलूंगी, ओके? बाय। Go, bye. Hi. Problem? No. वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वो कंजी आंखों वाला। कंजी? नीली आंखों वाला। मेरी दादी कहा करती थी, नीली आंखों वाले लोग खतरनाक होते हैं, धोखेबाज होते हैं। शायद आपने घर से देखा नहीं, मेरी आंखें भी कंजी हैं। Really? Oh yes. हर लड़कियों की बात और है। क्यों, क्यों लड़कियों की बात? ऐसा मत करो, हमारी शर्त का तकाजा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। चप्पल नीचे। Excuse me, father and daughter talking. Okay, thank you. Okay. Point taken. Thank you.
अगर आपकी इजाजत हो फादर डियर, तो क्या मैं स्विमिंग कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, स्विमिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाउ नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू. Hey, no. You know, मेरे को लगता है कि पानी बहुत ठंडा है. No problem. और मुझे लगता है पानी में इन्फेक्शन भी है. वो देखो सामने अंग्रेज कैसे टांग खुजा रहा है. और फिर छोटे से तालाब में क्यों नहाना चाहती हो? वहाँ खुले में नहाओ ना, समंदर में अकेले. अकेले. मेरे नानू कहते हैं हिंदुस्तानी बाप जो मर्जी कर ले हिंदुस्तानी रहेंगे. फ्रेंच बियर उगाने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता भाई पापा. होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू. प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू. रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, जाने या मैं जानू. प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू. गुनगुन करता क्यों फिरता है कोई भवरा बाहों में. ओ गुनगुन करता क्यों फिरता है कोई भवरा बाहों में. क्यों होती है फूल में खुशबू, तू जाने या मैं जानू. प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू. जंगल में कोयल की कुकू, तू जाने या मैं जानू. प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू. जैसे हरियाली और सावन, जैसे बरखा
और बादल। ओ जैसे हरियाली और सावन, जैसे बरखा और बादल। तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू, तू जाने जाने या मैं जानू, तू जाने या मैं जानू। Excuse me. Excuse me. We are looking for Gandhibhai Veljibhai Shah. Marine archaeologist? Yeah. बेटा आप भी अभी उन्हें यहाँ से ले गए हैं। कहाँ? विक्टोरिया के पास सिंधु का शमशान घाट है, किससे पता पूछ लेना, रास्ता बता देंगे। He died last night peacefully. Good man. Sweetie, please. I don't want to see you. Leave me alone. देखो मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, देखो मेरी बात सुनो। गुड इवनिंग मिस गांधी, आपके पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। रोहित, उससे कहाँ गलती हो गई बेटे? तुम्हारे लिए जो कुछ भी करना था वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन तुम हो कि उस लड़की के जूते उठाए उसके टूरिस्ट गाइड बन रहे हो। मामी, वो स्वीटी बेचारी, खबरदार जो उसकी तरफदारी की। हिंदुस्तान से यहाँ तुम लोगों का मनोरंजन करने आए थे ना, कुछ किया अब तक तुमने? मैं क्या जवाब दूंगी मैनेजमेंट को? नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकती, तुम्हें कहीं और ही भेजना होगा। I'm sorry, Rohit. क्यों? मैं तुम जैसी झूठी लड़की के साथ एक पल नहीं गुजारना चाहता। कोई और नहीं मिला था तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मेरे अलावा? एनीवे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं, अब मैं वो ग्रेसफुली निभाना चाहता हूँ। ये आपने, आपकी शराब बोल रही है। यस, बोल रही है शराब। तो बस कीजिए और अंदर चलिए। Don't touch me. तो मेरी लगती क्या हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि 2 दिन की मुलाकात में हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया? ऐसे बहुत रिश्तों को बाय बाय कहा है मैंने, बहुत रिश्तों को। तुम्हें भी कह सकता हूँ बाय 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 गो। अब आप नहीं पियेंगे। पीऊंगा तो क्या करूंगी? अगर आप पियेंगे तो मैं भी पीऊंगी। Of course. लो, पियो, 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 शौक से पियो, मेरे बाप का क्या जाता है? लो, पियो। Come on, Mr. Anand, let's compete. Give me one more drink. Come on.
इतना सताने वाली है ये मुझे मालूम नहीं था। किला और हथौड़ी लेकर आओ, आधा घंटा मत लगाना। मुझे पापा की बहुत चिंता और बच्ची लापता है उसकी कोई चिंता नहीं। तू कुछ छुपा रही है बेटी, कुछ जानती हो तो बता दे अपने पापा को, अनर्थ होने से बच जाएगा। पापा, मिस्टर के आनंद, मैं जानती हूं कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आप शायद मुझे कभी माफ नहीं कर सकेंगे, पर जाने से पहले आपसे कहना चाहती थी आई लव यू लाइक माय फादर। You're a very funny man. Love you, sweetie. Hey, you! Hey, you there! Stop! 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 Hey! What's your name? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? What's your name? What? What's your name? What? क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। रोहित, कल रात स्वीटी को लेकर कहां गए थे? जहां वो जाना चाहती थी। ए यू, आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता स्वीटी किसी के साथ ऐरे गैरे के साथ बाहर जाए। आप कौन होते हैं मुझे ऐरा गैरा कहने वाले? उसका बाप, उसका गार्डियन, उसका उसका हमदर्द, समझे? समझा। कि आप इस सदी के इंसान नहीं हैं, आप काफी बैकवर्ड आदमी हैं। क्या कहा? क्या कहा? मुझे बैकवर्ड कहा? तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सेशल्स में बहुत पावरफुल हूँ। मैं तुम्हें सेशल्स से आउट कराने वाले, आउट कराने वाले, आप अपने आप को समझते क्या? सॉरी मिस्टर आनंद, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मामी, मैंने क्या किया है? दीदी अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, ठीक है? मैं उसे जबरदस्ती थोड़ी ना उठा के ले गया हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर आनंद, ये अभी बच्चा है, दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है। मिस्टर आनंद, आर यू ओके? आई एम सॉरी।
स्वेटी 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 ये तो अच्छी खासी कॉमेडी है स्वीटी स्टॉप क्राइंग प्लीज यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल रियली सॉरी स्वाति आंटी लिसन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा ओके अरे मुझे पहले से ही शक था कि आनंद तेरे असली पिता नहीं है अब क्या करना चाहती हो मैं बंबई वापस जाना चाहती हूँ पर मेरे पास सेशंस रुपीस नहीं है मैं आपसे पैसे मांगने आई हूँ एयर फेयर और टैक्सी के लिए रोहित को पता है कि तुम जा रही हो नहीं आपको कैसे पता रोहित के बारे में वो जाने दो अगर तुम गई तो रोहित को हमेशा के लिए खोने दोगी सुनो मेरी बात मान लो दो चार दिन के लिए और रुको नहीं अरे वैसे एयर सेशल्स की कोई फ्लाइट ही नहीं तीन दिन तक पर मैं पापा को कैसे फेस कर सकती हूँ आई मीन मिस्टर आनंद को कैसे फेस कर सकती हूँ कल रात मैंने उनसे कितना झूठ बोला कितना ऊंचा नीचा कहा मैंने उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई स्वाति आंटी अरे पहुंचाई तो पहुंचाई पहुंचाई तो पहुंचाई कौन सा आसमान फट गया और फिर किसको तकलीफ पहुंचाई अपने पापा को पहुंचाई एंड पापा डजंट माइंड यार पापा नो आई एम रियली सॉरी पापा पापा डजंट माइंड पापा डजंट माइंड अरे मैं तेरा असली बाप ना सही कुछ तक बनता मेरा तेरे ऊपर कुछ तो रिश्ता तेरे मेरे बीच में हाँ एक बात याद रख कोई भी कभी भी किसी पर एहसान नहीं करता सबका अपना स्वार्थ होता है इतना लाड़ प्यार करने के लिए बाजार में बनी बनाई बेटी थोड़ा ना मिलती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा हाँ नहीं क्या क्या कर रही हो क्या कर रही हो क्या कर रही हो नहीं क्या हंसने की क्या बात अच्छा हंस लो स्वीटी ने मुझे अपना पापा तो मान लिया ना बचपन में सुना था कि बच्चे आसमान से टपकते हैं आज ऊपर वाले ने आसमान से मेरे लिए एक बेटी टपका दी थैंक यू हाय रोहित 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 बहरे हो गए क्यों बहरा तो नहीं अंधा जरूर था जो अब तक तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाया मैं मतलब तुम इतनी बड़ी झूठी हो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मुझे मामी की बात मान लेनी चाहिए थी तुम क्या कह रहे हो रोहित मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन मुझे तो सब समझ में आ रहा है तुमने हम सब से झूठ बोला है व्हाट मिस्टर आनंद तुम्हारे पापा नहीं है नहीं है वो तुम्हारे पापा मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला रोहित पर हर कोई तो सच नहीं सुन सकता है ना सच सुन सकते हो तुम क्या सच कैसा सच मिस्टर आनंद मेरे पापा नहीं है पर है भी क्या मतलब वो मेरे सौतेले पापा है स्टुपिड मैं यहाँ पे अपने माँ के लिए उनसे डिवोर्स पेपर पे साइन करवाने आई हूँ बहुत खतरनाक आदमी है वो रोहित अगर दिमाग खराब हो जाता है ना तो हाथापाई पे उतर आते हैं बहुत मारते थे मेरी माँ को और मुझे भी मुझे तो बहुत डर लगता है रोहित अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी मुझे कुछ नहीं होगा तुम मेरी फिक्र मत करो मैं उसे नहीं डरने वाला मैं तुम्हारे सौतेले पापा को हमारे बीच कांटा नहीं बनने दूंगा आई लव यू रोहित आई एम प्राउड ऑफ यू आज जंग शुरू हो गई देखो फेसबुक ने क्या लिखा है फेसबुक ने देखो क्या लिखा है कहाँ गया हाँ मिस्टर आनंद अगर आप मर्द हैं तो ये बॉक्सिंग ग्लव पहनिए और मुझे फॉरेन होटल के पुराने टेनिस कोर्ट से मिलिए सारे सवाल जवाब वहीं हो जाएंगे और ये बॉक्सिंग ग्लव भेजे हैं हाँ चैलेंज करता है मुझको मेरी मर्दानगी को ललकारा है आई आई एक्सेप्ट द चैलेंज गेट मी वन मोर बियर वन मोर जल्दी Please, sir, what are you doing, sir? I'm doing this.
कौन होता हूँ दखल देने वाला, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं, और ये जो वक्त हमने साथ बिताया था उसका क्या? Oh God, please, रोहित, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए I used you, okay? और तुम समझते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? What a joke! मुझे प्राले जाना था, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की, okay? I don't love you or anything. ठीक है, okay. अब सब कुछ साफ हो गया है. Now there is no confusion. Go to hell! Go! Sweetie, you mean little girl. ये तुमने क्या किया? रोहित से ऐसे कैसे बात किया? उसने पापा को मारा. Oh, Cody! Oh, come on! तुम्हारे लिए, because he loves you. हाँ. और तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया? जाओ उसे माफी मांगो, जाओ. No, नहीं, I won't. देखो, Sweetie, गलती हम सबसे हो जाती है. और दुख भी हम उसी को पहुंचाते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. Don't ask me why, but that's the way it is. लेकिन चोट पहुंचाने के बाद फौरन माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो वो चोट नासूर बन जाती है. Don't let that happen, sweetie. You love Rohit, don't you? Don't you? Yeah. Well, he loves you too. He does. Now go, say sorry, go on. But... go on. पहली बार है आँखें नम, पहला है
जाइएगा मत पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। शोभना, शोभना! अपनी लाली के बारे में भी नहीं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, उसके बाप के बारे में, कांति भाई के बारे में, सेशेल्स के बारे में। सेशेल्स फिर से आ गया, सेशेल्स फिर से आ गया। वो कृष्णानंद कुत्ता कभी ना मेरी जिंदगी में जाकर भी नहीं गया, वो मेरी जिंदगी से पागल हो गए। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो उसे उसे कह दो कि वो यहाँ से चली जाए। मार डालूंगा उसे और अपने आप को भी। संभालो अपने आप को तारक। मेरी बड़ी बेटी तो जीत गया वो मुझसे,
अब मेरी छोटी बेटी भी छीन लेगा वो मुझसे। नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए जालिम! यस सर। जालिम! सेशल्स फोन लगा, इंडियन हाई कमिश्नर से हम बात करना चाहते हैं। कम ऑन गेट इट। हेलो, कौन बोल रहा है? राकेश, ये कोई वक्त है फोन करने का? What's the problem? राकेश, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? I can never forgive you for what you've done, you know that. अच्छा, call me later. दरवाजे पे कोई आया है? हाँ, नहीं बाबा, एक घंटे के बाद नहीं, नहीं, थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए। Sweetie, Sweetie, come back home, Sweetie. तीन दिन के बाद, bye. What? Sweetie नहीं है? नहीं. I'm sorry. क्या हुआ? Sweetie रात भर से गायब है। मैंने सोचा कि पुलिस को बताने से पहले मैं तुमसे पूछ लूं क्या स्वीटी को देखा है, but I think I was. आनंद. What? अपने बॉयफ्रेंड रोहित के साथ है। रोहित? हाँ, रोहित। रोहित वो बेवकूफ झगड़ालू वो बदतमीज लड़का, उसकी तो मैं अच्छी तरह से खबर ले लूंगा। ओ, don't be so stupid, आनंद। रोहित और स्वीटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, what's wrong with you? What nonsense? स्वीटी और प्यार? अभी अभी स्वीटी की उम्र ही क्या है, इतनी सी? नहीं, इतनी सी। तुम्हारा इश्क हुआ था तो तुम्हारी बीवी की क्या उम्र थी? लेकिन लेकिन रोहित, स्वीटी क्या देखती है रोहित में? वो साला ना उसका प्रोस्पेक्ट है, ना ना फ्यूचर है, ना करियर है। अरे अगर स्वीटी चाहे तो मैं हजारों खानदानी लड़कों की कतार लगा सकता हूँ, मैं अमीर से अमीर लड़के से उसकी शादी करा सकता हूँ, टाटा के साथ, पाटा के साथ, बिरला के साथ, लेकिन क्या बात है आनंद? मैं तो वही बन गया जिससे मैं इतनी इतनी नफरत करता था। मतलब? मतलब मैं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ जैसे 19 साल पहले तारकनाथ ने मुझसे की थी। तो मुझ में और तारकनाथ में क्या फर्क है? No, no, I should get out of Sweetie's life. No, no, you can't do that. No, 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 not to. yet. I have to. अच्छा सुनो सुनो, तुम मेरी बात सुनो। रोहित और स्वीटी की कहानी सुन लो पहले, फिर डिसाइड कर लो, ओके? प्लीज लिसन। चेतन भाई, मिसाली को रुको। चल चल। टेलीफोन पे पता चल गया है कि मेरी स्वीटी सेशंस में है, डार्लिंग। अरे पर कहाँ? प्लांटेशन क्लब माहे। शो वेस्ट ऑफ टाइम। मैं रोहित को ऐसी चिट्ठी कैसे दे सकती हूँ? एक बात कहूँ स्वीटी, हर जवान लड़के लड़की को लगता है कि उससे पहले किसी ने इश्क किया ही नहीं, जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ हुआ ही नहीं। लेकिन बेटे, इश्क का मर्ज बहुत पुराना है, सदियों पुराना, और इस मर्ज का बस एक ही इलाज है, सामने वाले को जता दो कि तुम उससे प्यार करते हो, हाँ कह दे तो वाह वाह, ना कहे तो बाय। कम ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कम ऑन, आ जाओ मेरे बच्चे। सुनो रोहित, साउथ अफ्रीका से कोई टेलीफोन आया तो उसे कह देना कि मैंने सारे लेटर्स उन्हें फैक्स कर दिए हैं। मैं आधे घंटे में वापस आ रही हूँ। चिट्ठी? अरे फेंको ना, कुछ नहीं होगा, शीशा नहीं टूटेगा। अरे फेंको ना, नहीं खत्म, ठीक है। कौन है? अब क्या कर रहा है? स्वीटी, स्वीटी तुम हो? जाओ, जाओ ना, जाओ ना, जाओ। No, don't push me. I'm not pushing. मेरी चिट्ठी पढ़ी? बोलो। मेरी चिट्ठी पढ़ी? हाँ। मैं तो सिर्फ गुड बाय कहने आई थी, ओके? बाय। पागल हो गई हो क्या? कहाँ जा रही हो? Don't push me. ये बातें कैसे कर रही हो? हाँ? कौन है वहाँ? कोई भी नहीं। इस चिट्ठी में तुमने लिखा है कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है? हाँ, बोलो। क्या कहना है?
कहने को बचा क्या है? मैं अभी नहीं बता सकती। मैं बता सकती हूँ, बताओ। कल रात को स्विमिंग पूल के पास 9 बजे बताऊंगी। तुम्हें लोगों को नचाने का शौक होगा, मुझे नाचने का शौक नहीं है। Damn you, Rohit! उसे कहो तुम्हारी बहुत याद आती है। उसे कहो तुम्हारी बहुत, I mean तुम्हारी बहुत याद आती है। Oh really? I'm honored. जब मैं तुम्हें देखती हूँ, जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तो वही एक खुशी का लम्हा होता है मेरे लिए। तो वही एक खुशी का लम्हा होता है मेरे लिए। तुम्हारी आँखें, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? क्योंकि यही सच है उल्लू। क्योंकि बात सच है उल्लू। Oh God, I'm sorry. Okay. मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की। मैं जानती हूँ मैंने गलतियाँ की। पर गलतियाँ कौन नहीं करता? पर गलतियाँ कौन नहीं करता? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। Please. Please. तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। रोहित, मैं सारा सच तुम्हें बताना चाहती हूँ। कल रात 9 बजे स्विमिंग पूल के पास आओ और मेरी आगे की जिंदगी का फैसला करो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं समझ लूंगी कि तुमने मुझे एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया, सब दिखावा था। तुम आओगे? प्लीज। तीर निशाने पर लग चुका है, तोता मिर्च खा चुका है, काम हो गया। रोहित, साउथ अफ्रीका से फैक्स आया है। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारा कैसेट और बायोडाटा उन्हें भेजा था। वो लोग तुम्हारे प्रोग्राम रखना चाहते हैं। नहीं जाना है तो मत जा बेटा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन। अनजाने में मैं अपनी मर्जी तुम पर लादती रही, ये शायद गलत था, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है बेटा। तेरी जो मर्जी आए सो कर, मैं तेरे साथ हूँ। मामी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा। आएगा, आने वाला आएगा, लड़की पहनेगा नया ड्रेस पहनेगा, लड़की ब्यूटीफुल लगेगा, लड़का लड़की से मिलेगा, लड़के का सर चकरा जाएगा, फिर लड़का लड़की से माफी मांगेगा। चलो 8:15 बज गए, लड़का 9 बजे आने वाला था, लड़का आ गया, दरवाजा खुला है, अंदर चले आओ। हमारे जमाने में तो लड़के लेत लतीफ हुआ करते थे, मगर कोई बात। स्वाति जी, हम बहुत खुश हुए कि आप हमारे इस खुशी के मौके पर हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आनंद। यस। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यस। राकेश का फोन आया था। यस। बहुत देर तक बात की थी। यस। वो चाहता है कि मैं वापस लौट आऊं। यस। आनंद, मैं वापस जाना चाहती हूँ। यस। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। Yes. अब जाने के लिए भी यस कह दो ना, प्लीज। यस। थैंक यू। यस। ओह, डरा दिया। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़का आने वाला है, लड़की को लेकर जाएगा। ओके पापा। देखो बेटी,
हर पल जिंदगी खत्म होती है और हर पल जिंदगी शुरू भी होती है, इसलिए इस पल को हाथ से मत जाने दो। जाओ तैयार हो जाओ। पापा, रोहित आएगा? उसका बाप भी आएगा। जाओ। जी। 8:40 बेटे, जरा जल्दी करो। और सुन, मैंने तेरा पासपोर्ट और टिकट उस काले बैग में रख दिया है। जी। और चल, मामी के हाथ का खाना खा ले, साउथ अफ्रीका में नहीं मिलेगा। चल बेटे। रॉबर्ट, गाड़ी निकालो, बाबा को एयरपोर्ट जाना है, 10 बजे की फ्लाइट है। रॉबर्ट, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, अब अपने से तुम जुदा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो मुझ पे चाहे यकीन करो न करो, मुझ पे चाहे यकीन करो न करो, तुमको खुद पर मगर यकीन रहे, सर पे हो आसमान या के न हो, पैर के नीचे ये जमीन रहे, मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो, मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो, तुम मगर खुद से बेवफा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। आओ एक बात मैं कहूँ तुमसे, जाने फिर कोई ये कहे ना कहे, तुमको अपने तलाश करनी है, हम सफर को
रहे न रहे तुमको अपने सहारे जीना है, तुमको अपने सहारे जीना है, ढूंढती कोई आसरा न रहो मुझसे नाराज हो तो हो जाओ खुद से लेकिन खफा खफा न रहो मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ आप अपने से तुम जुदा न रहो दिखा दी ना असलियत कौन सी असलियत कौन थे वो लोग कौन थे वो लोग जो मेरी स्वीटी को उठा के ले गए अब बताइए मुझे कौन थे वो लोग कौन अब आइए एक प्राइवेट प्लेन चार्टर किया गया था अंडर द नेम ऑफ अ कंपनी प्लस मिल्स बॉम्बे चेक साइन किया था किसी मिस्टर जालिम सिंह ने लड़की जिनसे बात कर रही थी वो शायद कंपनी के मालिक हैं शायद उनके पिता उनका बॉम्बे में एड्रेस क्या है वन सेक वी आर गोइंग टू बॉम्बे यस माँ नानी स्वीटी स्वीटी मेरी बच्ची बेटी कहाँ चली गई थी रे तू फिर कभी ऐसा नहीं करेगी ना कभी नहीं I'm sorry नानी चलो बस हाँ अब ये रोना धोना बंद कर दो स्वीटी हमारी सही सलामत वापस घर आ गई है अब शादी की तैयारियां करो शादी की शादी वो राजी हो गई है ये उसी का फैसला है बाबू ये तुम्हारा ही फैसला है ना बेटा हाँ नानू। I love you बेटे। I love you। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं जान भाई से मिलकर आता हूँ। सब ठीक तो है ना बेटे? जालिम, परसों इस घर में शादी। Yes sir। कड़ी निगाह रखना। Yes sir। समझ गया? Yes sir। मिस्टर कियानन, शायद आप मुझसे नाराज होंगे कि मैं बिना कुछ कहे चली आई पर मैं मजबूर थी घर लौटने के लिए यहाँ बम्बे में मुझे आपकी बहुत याद आ रही है आई मिस यू अ लॉट मैंने जिंदगी में जितना कुछ आपसे सीखा है शायद ही किसी और से सीखा हो आई कैन नेवर थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर मी अगर गलती से आपको रोहित कहीं मिल जाए तो उसे कह दीजिएगा मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी आई हैव लव्ड हिम अ लॉट अगर आप यहाँ होते तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता लव यू स्वीटी अंकल वहाँ नहीं यहाँ भी नहीं अंकल हम यहाँ अंधे बनकर क्यों आए अंधा बनना पड़ता है लोगों की आंखें खोलने के लिए बेटा उछल के जाना हाँ पकड़ो थैंक यू कौन छो कौन कौन माफ करना भाई साहब
माफ करना, देख नहीं पाए, माफ करना हमें। भाई साहब दरअसल आप मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही है, मैं ही बीच रास्ते में सोया हुआ था। आपको किसे मिलना है? घर के मालिक से। जी घर के मालिक तो शादी के इंतजाम के लिए बाहर गए हुए हैं। तो किसी और से मिलवा दीजिए, कोई बच्चा या कोई बच्ची। जी हाँ स्वीटी है, उसकी माँ है, देखे, उसकी नानी है। देखे, हमें स्वीटी से मिला दीजिए। स्वीटी से नहीं, स्वीटी से नहीं भाई साहब, स्वीटी जी की नानी जी से मिलवा दीजिए। नमस्ते। एक्सक्यूज मी। नमस्ते नानी जी। नानी जी, चेतन कौन है ये लोग? तुमने अंदर कैसे आने दिया? Come on, get out, both of you. अरे कैसा आदमी है रे तू? तुझे दिखाई नहीं देता क्या अंधे हैं बेचारे? अंधे हैं? और क्या सबूत है कि ये अंधे हैं? भाई साहब आपको अपने हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है? Yes, why? हमें नहीं दिखाई दे रही, हम अंधे हैं। सुन लिया है, बंदूक से डराता है, अंग्रेजी के चार शब्द बोलकर हमको डराता है। क्या हुआ चेतन भाई, कौन है? रखना दोबारा मेरी जिंदगी में आ ही गया। तुमने दोबारा शादी कर ली, अच्छा की। जो मैं ना कर सका वो कम से कम तुमने तो किया। यहां किसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं अभी? स्वीटी की। स्वीटी की? लेकिन स्वीटी तो रोहित से प्यार करती है। ये तुमसे बेहतर और कौन जानेगा कि मेरे पापा को किसी के प्यार से कोई मतलब नहीं। स्वीटी को वो ही करना पड़ेगा जो पापा चाहते। नहीं विनीता, नहीं, मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक तो नहीं, लेकिन जो बहुत साल पहले तुम्हारे साथ हुआ वो स्वीटी के साथ मत होने दो। बेटी है तुम्हारी, वो तुम्हारी भी तो बेटी है। क्या इसका मतलब तुमने दूसरी शादी नहीं की? नहीं की। इस बेवकूफ ने दोबारा शादी नहीं की। अगर कर लेती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कृष्ण आनंद, get out of my house. कृष्ण वहां मत जाना प्लीज। स्वीटी का क्या तारकनाथ, वो तो मेरी बेटी है। अरे कोई सबूत नहीं है तेरे पास? स्वीटी को कानूनी तौर पर मैंने गोद लिया है, वो मेरी बच्ची है, मेरी वारिस। जोर से चिल्लाकर तुम सच्चाई को नहीं झुठला सकते तारकनाथ, तुम पागल हो गए। हाँ मैं पागल हूँ और कुछ। निकल यहाँ से, निकल। ए छोकरे ले जा इसे, नहीं तो दोनों को हथकड़ियाँ पहनवा दूंगा। पुलिस में तो कंप्लेन दे चुका हूँ मैं, अगर उन्होंने आने में देर कर दी तो जान ले लूंगा मैं। जान से मारने की धमकी किसको देता जान से मारने की धमकी? स्वीटी मेरी बेटी है, मेरा खून है, मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ। क्या कर लेगा फिर तू? हाँ दो टके के पकाओ इंसान। स्वीटी कल शादी कर रही है, वो भी मेरी मर्जी से। क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा? तेरी जान ले लूंगा तारकनाथ, अपनी बेटी के खाते में तेरा खून कर दूंगा। गोली चला। मिस्टर अपनी गन नीचे लो, नीचे करो अपनी गन। गिरफ्तार कर लो इसे इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरी जान लेना चाहता है। जेल के अंदर बंद कर दो इसे। नानू मेरे पापा को जेल जाने से बचा लीजिए नानू।
शादी करोगी तुम? तारक, तुम चुप रहो। मेरी मर्जी से शादी करोगी तुम? रुक जाओ इंस्पेक्टर, रुक जाओ। स्वीटी शादी के लिए मान गई। आखिर वही हुआ जो मैं चाहता था। दोबारा इस घर में नजर नहीं आना, वरना जिंदा वापस नहीं जाओगे। छोड़ दो इन्हें। वो मैं इन दो बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा, तुम फिक्र मत करो। किशन तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट। खेल निराले हैं, बिल्कुल निराले। एक हाथ से मुझे बेटी दी और दूसरे हाथ से कन्यादान का सुख छीन लिया। इतने दिन वो मेरे साथ रही और मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरी बच्ची है। अभी तू मुंह लटका के क्यों बैठा है? कुछ तो बोल, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूं। साउथ अफ्रीका? और स्वीटी का क्या होगा? क्या होगा? मैं पृथ्वीराज चौहान हूं, जो उसे स्वयंवर से उठा के ले जाऊं। शर्म आती है मुझे तुम पर, शर्म। इतनी जल्दी हथियार डाल दिए। ए भाई, उठ, हमारी सोने की जगह है। क्यों, तेरे बाप की जगह है क्या? मेरा बाप यही सोता था, यही मरा है। अच्छा अच्छा, शराब की यही प्रॉब्लम है। दो घूंट अंदर गए और अंदर का भूत बाहर। पैर क्यों पकड़ रहे उसके? अरे स्वीटी, आइडिया लो और शराब पियो बेटा, और पियो और पियो और यही सो जाओ। क्या आपको तुम्हें पता नहीं एक आइडिया है? कमान। अंकल आप ये शराब चॉकलेट में क्यों डाल रहे हैं? ये सब करने से क्या होगा? भूकंप, भूचाल, अर्थक्वेक। तुमने अब तक सिर्फ स्वीटी का स्वीट रूप देखा है, अब तुम उसका चंडिका का रूप देखना। ये चार बूंदे इस चॉकलेट के अंदर गई और फिर ये चॉकलेट उसके मुंह में गई, तो देखना शादी में क्या मजा आएगा। मुझे तो तारकनाथ के बारे में सोचकर अभी से उस पर तरस आ रहा है। अंकल मुझे करना क्या होगा? बस किसी तरह से चॉकलेट का पैकेट स्वीटी तक पहुंचा देना होगा। सुनो भी, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। तारकनाथ तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो। ज्योतिष के नाम पे स्वीटी की जिंदगी से छोड़े मुझे, छोड़े। कोई तरीका गेस्ट से पेश आने का? यू नो गेस्ट, गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगा, पहले तारकनाथ जी को बुलाओ। तारकनाथ जी। फिर आ गया तू? मना किया था ना मैंने तुझे, जान ले लेगा तू मेरी। पुलिस को बुलाओ। तारक जी आपने मुझे नहीं, आनंद साहब को मना किया था। देखिए मैं तो सिर्फ ये तोहफा स्वीटी को देने आया हूँ। स्वीटी मेरी जिंदगी से चली गई तो क्या मैं उसे एक तोहफा भी नहीं दे सकता? तारक जी अब मैं जानता हूँ आप बहुत ही नेक आदमी है, प्लीज मुझे आखिरी तोहफा स्वीटी को देने दीजिए। प्लीज तारकनाथ जी, प्लीज। नहीं, सुनो, क्या है? पवित्र दिन है, देखो शादी है। देखो आज के दिन दरवाजे से मेहमान को लौटाओगे, अरे अब शकुन होता है। क्या है इसमें? क्या है? चॉकलेट है, चॉकलेट है, और क्या? ठीक है, ये तोहफा पहुंच जाएगा लेकिन तू नहीं जाएगा। गेट आउट। तारक जी, प्लीज सुनिए। तारकनाथ जी ने कहा है तो तोहफा पहुंच जाएगा।
यस यस। स्वीटी बेटे सुनो, विनीता बेटे ये चॉकलेट्स तुम्हारा दोस्त दे गया है, वो सेशेल्स वाला। तुम और तुम्हारी माँ जितना बुरा मुझे मानते हो उतना बुरा मैं नहीं हूं। तुम्हारा ये हाल मुझसे भी नहीं देखा जाता, मुझे भी रोना आता है। तो बेटी लगता है आपका वो चॉकलेट का प्लान फ्लॉप हो गया। वहाँ ऊपर स्वीटी के कमरे में बहुत सन्नाटा है। पता नहीं उसने चॉकलेट खाई होगी कि नहीं। बल्ले बल्ले पता नहीं। अरे तो तुम्हें चॉकलेट उसी को देनी चाहिए थी ना। मैं क्या करता, वहाँ इतने लोग थे। बल्ले बल्ले था, था, था। क्या हुआ माँ? इसमें तो शराब है। माँ लगता है उसने पूरा का पूरा बॉक्स खा लिया। अब क्या सोचे चलरी सजरी, अब क्या सोचे कजराना बह जाए रोते रोते चलरी सजरी, अब क्या सोचे चलरी सजरी। तारक सेज गणेशा कुछ गड़बड़ है। अरे दुल्हन आ गई, आओ आओ। अरे साहब संभल के बेटा। आइए चलो चलो, आओ आओ आओ। हाय, नमस्ते नमस्ते। हाय आंटी, यू आर सो क्यूट सो दोस्तों, मेरे दुश्मनों,
मेरे प्यारे बरातियों, मेरे प्यारे दूल्हे राजा, आज मेरी शादी है इस दूल्हे राजा के साथ। पर क्या मुझे दूल्हे राजा से प्यार है? नहीं। तो क्या मैं ये शादी करूंगी? करूंगी, क्योंकि मेरे नानू, मेरे प्यारे नानू, रोलू पोलू नानू की मर्जी है, है ना नानू? मैं नानू की मर्जी मानूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे नानू मुझे बहुत प्यार करते हैं, राइट नानू? नीचे उतर जा बेटी। अब बहनों और भाइयों, आप ही बताइए, क्या मेरे नानू मुझे सचमुच प्यार करते हैं? गलत कहते हैं आप। अगर मेरे नानू मुझे सचमुच प्यार करते तो मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की की शादी इस बीए फेल के साथ करते। तो फिर बताइए, क्या मुझ जैसी लड़की को नानू की मर्जी माननी चाहिए? क्या मुझे इस दूल्हे राजा के साथ शादी करनी चाहिए? नहीं, नहीं। मुझे इस जोकर के साथ शादी करनी चाहिए? Stop it, Salim! Thank you! Come back! चुप हो जाओ! शांत हो जाओ! अगर किसी ने मुंह खोला तो गोली मार दूंगा। ए तारकनाथ, तारकनाथ, गोली की आवाज से किसको डराने की कोशिश कर रहे हो तुम? ये अंदर कैसे आ गया जालिम? अपने अंदर का दर्द छुपा रहे हो तुम। गोली की आवाज से अंदर की फूटती हुई इंसानियत को दबाने की कोशिश कर रहे हो तुम। आप है कौन? मैं इसका बाप हूँ। मेरी बच्ची को हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। पीछे कहाँ जा रहे हो? माता, मेरे पास माता, गोली मार दूंगा मैं। अरे किस 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 को मारोगे गोली? बताओ किस किस को मारोगे गोली? अपने डर से इतना मत डरो तारकनाथ, डरते तो हम सब हैं। 18 साल पहले जब तुमने मुझसे अपनी बेटी छीन ली थी, वो भी महज एक डर था। ये डर मुझे भी लगा था जब स्वीटी रोहित से प्यार करने लगी थी। तारकनाथ, हर बेटी का बाप एक डरा हुआ आदमी होता है। तारकनाथ, मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, यहां तक कि तुम्हारे गुस्से को भी समझता हूं, उसकी उसकी कद्र करता हूं। लेकिन स्वीटी के साथ पिछले चंद दिनों में मैं जिस जज्बाती दौर से गुजरा हूं, उसके बाद मैं समझ सकता हूं कि 18 साल पहले तुमने अपनी प्यारी बेटी का हाथ इस निकम्मे के हाथ में क्यों नहीं दिया। लेकिन तारकनाथ, क्या करें, प्यार से पाली हुई बेटी को विदा करना हर बाप की तकदीर में लिखा होता है। अच्छा, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है तू? मेरा फैसला बदलना चाहता है तू? अरे मैं सरद्वार का नाथ गांधी का बेटा हूँ, तारकनाथ गांधी। मर जाऊंगा लेकिन अपना सर नहीं झुकाऊंगा मैं। अंकल, अंकल छोड़ दो से, ये मानेगा नहीं। अरे इसका बाप भी मानेगा। कृष्ण आनंद, मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो अपने आप को गोली मार दूंगा मैं। तुम अपने आप को गोली मारना चाहते हो ना, तो मारो अपने आप को गोली। कर दो स्वीटी को नाथ, लाद दो उसकी आत्मा पर अपनी मौत का बोझ। क्या चाहती है स्वीटी तुमसे? अपनी शर्तों पर जिंदा रहने की मांग ही ना। लेकिन तुम सब पर अपनी शर्त लादना चाहते हो। मुट्ठी में दबोच कर रखा है तुमने सबको। मैंने सबको मुट्ठी में दबोच के रखा है? मैंने? हाँ, तुमने दबोच के रखा है सबको। तू क्या कर रहा है? मेरे 18 साल के प्यार को अपने 6 दिन की जान पहचान से तोड़ना चाहता है तू? अचानक अपना हक जताने आ गया है तू? कोई हक नहीं जताना चाहता मैं तारकनाथ। बस स्वीटी का रोहित से ब्याह कर दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। धाक साले स्वार्थी। दादाजी, दादाजी प्लीज। रोहित साले स्वार्थी, एक नंबर का स्वार्थी है तू। जब से आया है तब से अपनी ही बेटी की बातें कर रहा है तू। मेरी बेटी का क्या, विनीता का क्या? अगर मैंने तुझे उससे जुदा किया था तो इसी तरह लड़ने क्यों नहीं आया तू? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहां आता मैं तारकनाथ, कहां आता? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम तो गायब हो गए। कहां ढूंढता मैं उसे, कौन से देश में, किस शहर में? तुम मेरा अकेलापन और मेरी घबराहट नहीं समझोगे तारकनाथ, नहीं समझोगे तुम। 19 साल तक मैंने 135 देशों में काम निकाला, यह सोचकर कि शायद किसी जगह तुम्हारी बेटी मुझे मिल जाए। बावलों की तरह मेरी आंखें उसे खोजती रही लेकिन नहीं मिली वो। लेकिन अब मुझे मेरी बेटी मिल गई और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे और रोहित को अपनी तरह जिंदगी भर भटकने दूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ तारकनाथ, उनको इस तरह मत अलग होने दो, मत होने दो अलग। नहीं तारकनाथ, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी खुशी की खातिर अपने बच्चों की खुशी की बलि दे दें। नहीं तारकनाथ, अपना अहम, अपना अहंकार छोड़ दो, छोड़ दो अपना अहंकार। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ तारकनाथ। डूबने देना इसे, जब तक ये रोहित और स्वीटी के शादी के लिए हाँ नहीं कहता, डूबने दे इसे, बाहर नहीं निकलने देना। नहीं, अरे भाई ना, बोला ना हाथ छोड़ने के लिए, डूबने दे इसे, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं, 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 छोड़ो ये झगड़े, छोड़ो लड़ाई, रब ने है प्यारी जोड़ी बनाई, जोड़ी बनाई, दुल्हा दुल्हन को हमारी दुआएं, दुनिया की सारी खुशी दोनों पाए, दिन रात इनके सदा जगमगाए, तो फले और दूरो नहाए, आबादी ज्यादा ना लेकिन बढ़ाए, हम तो वाले, हम दूल्हे वाले। मिल गया जिनको था मिलना प्यार का पैगाम, चल भाई पापा अब तेरा यहाँ क्या काम, गो अवे। Thank you.